नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। बता दें कि सीएम बघेल ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा हार चुकी है, तेलंगाना में उनका कुछ नहीं बचा है, राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान के लोग बहकाव में नहीं आएंगे, महंगाई की ओर मार पड़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार चुके हैं, तेलंगाना में जो है अब उनका कुछ बचा ही नहीं है। बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने अधिक सीट लाने के दावे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी तब उन्होंने 52 से 55 सीट के ऊपर नहीं ला पाए, तो फिर अब कहां से वह ला पाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि रमन सिंह अपने कार्यकर्ताओं का ढांढस बंधाए रखने के लिए यह कह रहे हैं, ऐसा 3 दिसंबर तक कहते रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वे भाजपा हार चुके हैं, तेलंगाना में जो है अब कुछ बचा नहीं है, राजस्थान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब राजस्थान में जो है चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव है, इसको लेकर अब लगातार सियासत गरमाती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, जिसके नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आने वाले हैं। उससे पहले लगातार राजनीति गरमाती नजर आ रही है। अब भूपेश बघेल ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के ऊपर लगातार जो है कटाक्ष किया और कहा कि जब उनकी लोकप्रियता थी तब वो 52 से 55 सीट से ऊपर ला नहीं पाए, तो अब तो उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, तो अब इससे ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। अब बता दें कि जिस तरीके से अब कांग्रेस और बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप की पारी चल रही है, कहीं ना कहीं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बात करें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इसको देखते हुए लगातार पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खेल रही हैं। अब बता दें कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस दावे कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी 5 राज्यों में, वहीं बीजेपी भी दावों से पीछे नहीं हट रही। फिलहाल आने वाले 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि आखिर देश के 5 राज्यों में कौन कौन जो है जीत पाएगा और किसका राज जो होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।